नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जिन लोगों ने पहले से में सब्सक्राइब लाइक किया उनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हर साइज की कटर की ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे खाली नंबर चेंज होने वाले, बाकी कटिंग वही रहने वाली। तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे महत्वपूर्ण मैं आपको ट्रिक्स बताई, मैं उम्मीद करूँ ये तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताई कटोरी कैसे बढ़ाई जाती है और कटोरी कैसे कटिंग की जाती है। कभी हम लोग जब ब्लाउज की कटिंग करते तो ब्लाउज का आगे का पार्ट पीछे हो जाता है, आर्मोर कम ज्यादा हो जाता है, गला कम ज्यादा आता है। तो यहाँ पे मैंने तीन बात आपको बताई, तो प्लीज आखिरी तक वीडियो आपने देखना है। हाँ दोस्तों, अभी करेंगे महत्वपूर्ण, आपको एक जानकारी में देने वाली, आप सभी को मालूम है मैंने एक चैनल ओपन किया है वो भी फूड तड़का। तो यहाँ पे मैंने गए वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग गिवे करने वाले, तो वो उस गिवे का नाम हम बताने वाले, जैसे तीन लोगों का नाम आ चुका है तो उनका मैं नाम आपको बताने जाने वाली हूँ वो कौन से नाम है। अब यहाँ पे तीन लोगों का नाम मैं आपको बताने वाली हूँ, तीन लोग कौन है ना। तो पहला नाम लेना चाहोगे विपुल सोलंकी, 8699 उनका नंबर लग चुका है, उनको मन चाहिए कटिंग हम देने वाले। और दूसरा नाम है लोकेश स्टेटस कट्टा, 9478 उनका भी हम लोग मन चाहिए कटिंग देने वाले। और तीसरा है लीना लेडी टेलरिंग क्लासेस, 9288। तो हाँ दोस्तों, अभी आपको लगा इनको कटिंग मिले हमें तो आपको भी मिलने वाले दोस्तों। तो आपने क्या करना है, फूड तड़के पे जाना है, वहां पे सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और हमें कमेंट करना है। आप हमें कमेंट करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो उनसे भी हम लोग एक विनर निकाले, वो भी तीन निकालने वाले। जैसे कि मैंने आपको बोला है महीने तक ये गिवे चलने वाला है, तो जल्द से जल्द जाना है, शेयर करो, सब्सक्राइब करे और लाइक करे और कमेंट भी करे और पूरा वीडियो देखे और हमें बताए कि हमारी रेसिपी आपको ये कैसी लगती है, एक महीने तक चलने वाला है। चलो भी ज्यादा बातें करते नहीं, अभी हम लोग हमारी काम की बातें करेंगे। अभी कटिंग कैसे की जाती है, हर साइज में ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है और कटोरी कैसे निकाली जाती है। अब हमें ब्लाउज लेना है, अभी जैसे कि मैंने अभी ये ब्लाउज लिया तो आप कौन से भी साइज का ब्लाउज ले सकते हो। अभी जो साइज का मैंने ब्लाउज लिया तो ऐसा नहीं कि आपने भी वही साइज का ब्लाउज लेना है, सिर्फ नंबर में फर्क होता है। मैंने पहले आपको क्लियर किया कि नंबर में फर्क होता है, वो नंबर आपने जान लेना है, उस नंबर से आप कटिंग करोगे तो आपका जो ब्लाउज एकदम परफेक्ट आ ही जाएगा, 101 टक्का गारंटी के साथ हम आपको बताते हैं। अभी नाप कैसे लिया जाता है वो बताते हैं। नाप देखो, अभी यहाँ पे मैं तीन चीज का ही ज्यादा से करके नाप लेती हूँ, ज्यादा मतलब ये नहीं करती हूँ मैं। अभी यहाँ पे ब्लाउज को हमने सीधे से नाप लेना है, कई जगह तो उल्टा भी लिया जाता है, वो उनका है, मेरा तरीका तो यही है बाबा। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज को हुक लगा लिया है और ब्लाउज को सीधा भी कर लिया। अभी आपको लगा बहुत ये कस्टमर का ब्लाउज था दोस्तों, थोड़ा एकदम ऐसा ये है, नर्सरी वगैरह कोई किया नहीं क्योंकि मुझे यहाँ पे नाप ही लेना है, बाकी कुछ करना नहीं है। तो हुक भी लगा लिया और ब्लाउज को परफेक्ट हमने रख भी लिया है, परफेक्ट। अब यहाँ पे हमने लेना है लेंथ। अभी ये लेंथ कितनी है बराबर देखना है, कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं है, लेंथ हमारी है 13। कभी भी आप पहली बार करो तो एक नोटबुक पे लिखते जाना, जितना जितना मैंने नाप लिया उतना उतना यहाँ पे एक नोटबुक पे लिखते जाना है। 13 लेंथ, चेस्ट हमारी है 16, कमर है 30, यहाँ पे सिलाई आ गई ना, कमर 30 और यहाँ पे लेने वाली हूँ क्रॉस पट्टी। ये तो क्रॉस पट्टी में हिसाब से लेती हूँ 3.5-3.5 इसके आगे होता नहीं है, बस खाली तीन बात में ध्यान देना है, ये एक तो चेस्ट, कमर और लेंथ। अभी आप बोला इतना तो बता दिया और थोड़ा डीप में बताए तो मैं और थोड़ा डीप में बता दूंगी। मेन तो बात तो तीन बात की होती है, एक लेंथ, चेस्ट और कमर, बस ये तीन ही बात हम लोग बताते हैं। ऐसे जिसको हमारी कटिंग लेनी होगी तो कटिंग जो वीडियो देख रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वेबसाइट का नाम है लैपोज, वहां से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, गीता लेडीज टेलर की कटिंग है। और जिन लोगों ने भी लिया होगा तो प्लीज कमेंट करें, बताएं कैसी ये कटिंग। हमारी कटिंग से हम लोग जब तुम हमारी कटिंग ली होगी जिसने, तो खाली ये तीन बातें ध्यान रखना है, एक तो लेंथ, चेस्ट और कमर, बस। अभी जिन्होंने नहीं भी ली तो कोई बात नहीं, उनके लिए भी एक गुड न्यूज है क्योंकि यहाँ पे कैसे लिया जाता है नाप, तीन बात तो हो गई। अभी यहाँ पे हमने शोल्डर को परफेक्ट रख लेना है, मैं तो चेस्ट के हिसाब से ही शोल्डर निकालती हूँ तो भी मैं आपको एक डिटेल में बता देती हूँ, यानी आपको समझ में आ ही जाएगा। अभी यहाँ पे परफेक्ट रखना है, यहाँ पे कपड़ा खींचना नहीं है, यदि कपड़ा खींचोगे तो शोल्डर ऐसा हो जाएगा, फिर बार बार आपको शोल्डर को आगे आगे करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने देख लेना है सिलाई के साथ, ये परफेक्ट रखना है थोड़ा अच्छी तरह से। तो ये हमारी है शोल्डर 9.5,
सिलाई को छोड़ के 9:30 है, मैंने सिलाई को पकड़ के लिया, पर यहाँ पे मैं 10 ले लेने वाली हूँ, क्योंकि 10 अभी क्यों, अभी आपको 9:30 दिख रहा है तो 10 क्यों, क्योंकि 10 इसलिए जो नए लोग होंगे उनको सिलाई में कपड़ा ज्यादा लगेगा, जो नॉर्मल हो गए तो 9:30 भी ले जाए, पर 10 ये परफेक्ट है सभी के लिए, 10 ही लेना है। खाली 38 के आगे आप जाते होगे तो 10, 10:30, 11 लेना है, बस इतना ही लेना, ज्यादा लेना नहीं है। मैं आपको नंबर बता रही हूँ, देखो एक बार रिपीट और करूंगी, कम चेस में होगा तो 10 लेना है, उसका हम लोग आधा करके 5 होगा, ओके। और 38 के आप जा रहे हो बड़ी बड़ी, मतलब 38, 40, 42, 50 जो भी होगा वगैरह वगैरह वगैरह, 10 से आगे ही लेना है, 10:30, 11, 11:30 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा बड़ी होगी तो 12 लेना है, बस इसके आगे हमें लेना नहीं है। ज्यादा लोगे तो फिर शोल्डर गिरेगी, फिर आप बोलोगे बराबर हुआ नहीं, तो कैसे हुआ, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अभी ये तो हो गया, अभी यहाँ पे इसे करते हैं साइड और पेपर लेते हैं। अभी इसे कटिंग कैसे की जाती है, अब यहाँ पे मैंने पेपर लेना है, अभी न्यूज़पेपर भी ले सकते हो। हाँ दोस्तों, कभी भी कटिंग करते समय पेपर कटिंग ही करना है, क्योंकि पेपर कटिंग करने से क्या होता है, हाथ की फिनिशिंग भी बनती है और हमें समझ में आता है हमारी गलती कहाँ हो गई। डायरेक्ट कपड़े पे ही करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कटरी ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। अभी लेंथ हमारी थी 13, तो यहाँ पे मैं 1 इंच बढ़ा देती हूँ, यानी 14, 1 इंच बढ़ा देना है आग बंद करके। अभी जो भी साइज होगा आपका तो वही लेना, सिर्फ 1 इंच बढ़ाना है। मैं फिर से रिपीट करूँ, यहाँ पे सिर्फ नंबर चेंज होने वाले, बाकी मेथड वही रहने वाली है, ओके। अभी 14 मैंने कर ली, अभी यहाँ पे हमारी 10 थी शोल्डर, बराबर 10 का मैंने आधा कर लिया, यानी कि 5 हमारी शोल्डर है 5। अभी आपको लगा शोल्डर में तो कुछ बढ़ाया नहीं, कुछ नहीं दोस्तों, जितनी है उतना आधा कर देना है और बस उतना ही। अभी शोल्डर हमारी 5 है तो यहाँ पे लेना है 5.5 हमें आर्म होल। अभी जो भी शोल्डर होगी उसका आधा करना है और आधा करने से आधा इंच यहाँ पे आर्म होल में बढ़ा देना है। अभी आपको लगा इतना ही बढ़ाना है, हाँ बस इतना ही बढ़ाना है। जब हम कटिंग करते हैं स्टिचिंग करने के, सॉरी कटिंग तो होती हो जाती है, सिलाई के वक्त हमारा डबल यहाँ पे आर्म होल कट होता है, फिर ये परफेक्ट कटिंग होती। कभी भी मेरे पेछे के पीछे के वीडियो देखो या नए वीडियो देखो, उसमें मैंने आर्म होल कैसे कट किया जाता वो आपको मैंने डिटेल में बताया है। मैं उम्मीद करूँ ये तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा, और कमेंट करके बताएं कुछ भी डाउट हो हमें बताना है, हम आपकी कमेंट पूरी करेंगे। अभी यहाँ पे हमारी कितनी थी एक बार और बता देती हूँ, यहाँ पे कितना था हमारा, मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीका 9, ओके। और एक दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ, ब्लाउज लेना है, कभी गलती हो जाती नंबर में, तो ये कितना है मैंने बराबर रखना है ये अच्छी तरह से, कभी कभार गलती होती तो ये रिपीट करना है हमें। अब ये 17 है, 17 का आधा कर लेना है, 34 है तो इसका मैं आधा कर लेती हूँ, कितना आता है ये 8.5, ओके। अभी 8.5 लेना है यहाँ पे 8.5, यहाँ पे बॉक्स, कभी भी कटिंग करते समय बॉक्स तैयार करना है, बॉक्स करोगे ना परफेक्ट तो आपका ये परफेक्ट आ ही जाएगा कटिंग। और यहाँ पे 1.5 इंच में बढ़ा देती हूँ मार्जिन के लिए, सिलाई 1 इंच भी बढ़ा सकते हो पर 1.5 इंच बढ़ाना है, क्या होता है कभी कम ज्यादा बॉडी हो जाती है तो सिलाई निकालने में आसान हो जाती है, सिलाई भी रहती है ना। अभी यहाँ पे ये हो गया, अभी एक तरीका मैंने बताया, अभी वही ऐसे ही तरीका हमें ऐसे करना है, एक ही साइड से हमें गिनना, जहाँ पे हुक है वहां पे हमें गिनना, ये कितना है 7.5, ओके। तो 7.5 है तो यहाँ पे 1 इंच में बढ़ा देती हूँ टक्स पॉइंट के लिए, यानी 8.5। अभी बहुत जनों की प्रॉब्लम होती है कि हमारी सिलाई सीधी आती नहीं है, क्यों नहीं आती कि इस तरीके से आप नाप लेते नहीं ना, इसलिए भी फिटिंग में सीधी सिलाई आ गई तो फिटिंग 1 नंबर, यदि सीधी सिलाई नहीं आ गई तो फिटिंग 0। यहाँ पे हम लेंगे 1.5 इंच मार्जिन। अभी यहाँ पे स्केल की मार्फत से यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन कर लेती हूँ, अभी आपके सामने ही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ और आपके सामने ही यहाँ पे सीधी लाइन आ चुकी है, देख सकते हो सीधी लाइन, स्केल है थोड़ा आड़ा टेढ़ा कुछ भी नहीं है। फिटिंग का यही प्रॉब्लम होता है, सीधी सिलाई अच्छी सीधी लाइन आ जाती ना तो फिटिंग 101% बोलती हूँ परफेक्ट आएगी, यानी आएगी, भले आपकी सिलाई अच्छी ना हो पर फिटिंग 1 नंबर आएगी, बस ये बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। अभी ये तो बॉक्स तैयार कर लिया है मैंने, अभी यहाँ पे हमने लेना है, यहाँ से रखना है मार्जिन को छोड़ के, इसको मैं बीच का सेंटर निकाल लेती हूँ और यहाँ पे 1 इंच बढ़ा देती हूँ अंदर से, ओके। अभी इसे हमें यहाँ से अटैच कर लेना है, अभी यहाँ पे आर्म होल शेप होगा और यहाँ पे हमें लेना 1 इंच और यहाँ पे हमें गोल शेप दे देना है,
सभी के लिए ये इस तरीके से ही कटिंग की जाती है, इसमें कुछ नया नहीं है। अभी यहाँ पे हमने 1 इंच लिया तो यहाँ पे हम लेंगे 1.5 इंच, यहाँ से ही हमें लेना है। और यहाँ पे जो कटिंग हमने की थी यहाँ पे इसको इस तरीके से ऐसे करते जाना है, यहाँ से ही करना है बस। आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा हमारा आर्मोर का शेप आ चुका है। अभी यहाँ पे हम लेंगे क्रॉस पट्टी। अभी हमारी क्रॉस पट्टी 2.5 थी ना, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ 3, पर यहाँ पे मैं 2.5 और यहाँ पे भी 2.5 ले लेती हूँ। अभी आपको बोला सिलाई नहीं छोड़नी है क्या, मार्जिन नहीं करनी? हाँ दोस्तों, मार्जिन भी करनी है, सिलाई भी छोड़नी है हमें। तो यहाँ पे हमने बहुत जन क्या आते हैं ब्लाउज की जो कटिंग करते हैं ना, तो उनका जो ये शेप होता है ना सीधा होता है, अच्छी तरह से शेप आता नहीं। तो ये तरीका मैं आपको बताऊंगी, ये तरीका आपको बहुत ही पसंद आया। इसको हमें इसको ऐसे करना है और इसको बीच वाला सेंटर हमें निकाल लेना है और यहाँ पे हमने लेना है 1 इंच बढ़ा देना है, ओके सिलाई के लिए। और इस तरीके से हमें यहाँ पे शेप देना है। तो हमारी जो कटोरी की जो फिटिंग होती है ना, एक नंबर आती है, देख सकते हो। इस तरीके से हमारा ये योग पट्टी का शेप आना चाहिए, सीधे में आना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान सा तरीका है। अभी यहाँ पे कटोरी का मैं बता देती हूँ, अभी कितनी कटोरी थी यहाँ पे, कटोरी गिन लेते हैं। यहाँ से रूप जहाँ पे लगता है वहां से हम लोग कटोरी गिन लेते हैं। तो कटोरी हमारी है 5.5, जो जितनी है उतनी ही हमें लेनी है कटोरी 5.5। यहाँ पे मैंने लाइन निशानी कर ली, 5.5 की हमारी ये कटोरी है, ओके। आपको समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप? पहले मैंने लेंथ लिया, फिर आर्म शोल्डर निकाला, फिर आर्मोर, फिर बॉक्स तैयार कर लिया, फिर मैंने योग पट्टी, फिर ये आर्मोर निकाला, इतना है। स्टेप बाय स्टेप करोगे ना 4-5 बार आप प्रैक्टिस, तो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। अभी यहाँ पे आर्मोर सॉरी तीरा लेंगे 2 का। मैं सभी के लिए 2 का ही तीरा लेती हूँ, क्योंकि सिलाई के बाद 2.5-2.5 आ ही जाता है, सिलाई कम ज्यादा हो जाती है ना इसलिए। और यहाँ पे हमारा गला है 6 का। अभी आपको कितना बड़ा छोटा गला चाहिए आपके हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हो। और यहाँ पे हमने लेना है 2.5 का तीरा, ओके। और यहाँ पे हम ले लेते हैं बॉक्स। कितना आसान है, जो पहली बार जो वीडियो देखता हुआ ना, यार इतना आसान है ब्लाउज कटिंग, हमें तो बोला था बहुत ही हार्ड। नहीं दोस्तों, खाली प्रैक्टिस की जरूरत होती, जितना प्रैक्टिस करो उतना आपकी हाथ की फिनिशिंग बढ़ेगी और परफेक्ट कटिंग आए। यहाँ से हमें 1 इंच बढ़ा देना है, ऊपर जाना है बस, ओके। अभी यहाँ पे हो गया, अभी यहाँ पे मैं आपको 3 बढ़ा देती हूँ इधर यहाँ पे अच्छी तरह से। अभी आपको ये क्यों, क्योंकि यहाँ से शेप अच्छा आ जाता है। अभी हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे मैं डॉट डॉट कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है शेप पेन से मुझे जमता नहीं दोस्तों, मैं चौक से कर लेती हूँ। मैं उसका भी तरीका आपको बता देती हूँ, देख सकते हो। अभी चौक कैसे लिया जाता है, इसमें कटोरी का शेप कैसे दिया जाए वो बताती हूँ। अब यहाँ पे मैंने चौक ले लिया, अभी चौक को इसको ऐसे करेंगे, देख सकते हो कितना बढ़िया। मुझे इसकी ज्यादा प्रैक्टिस है ना दोस्तों, इसलिए। अभी आपको इसकी नहीं प्रैक्टिस हुई कोई बात नहीं, आप इससे भी पेन से भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमने शेप दे देना है गले का इस तरीके से। हाँ दोस्तों, आपको वीडियो हमारे ये कैसे लगा तो हमें कमेंट करना है। जो हमारा नया चैनल है फूड तड़का करके, तो उसको भी सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। यहाँ पे हम लोग गिवे देने वाले, जो भी आपकी कटिंग आपको मन चाहिए हम आपको देने वाले, वो भी फ्री। तो जल्द से जल्द फूड तड़के पे जाए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट भी करें। अभी ये हो गया, अभी आपको बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है। अभी कौन से भी साइज की कटोरी हो ब्लाउज की, तो आप इसे इस तरीके से कटिंग करना है, बहुत ही सिंपल सा है। नंबर चेंज है, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको जब आप कटिंग करोगे तो आपको ये परफेक्ट आना ही चाहिए। अभी ये तो हो गया, अभी से हम करेंगे कट। अभी कटोरी कैसे बढ़ाई जाती है वो भी बताते हैं, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बहुत ही आसान सा तरीका है। यदि इतने में आपको झमेले में नहीं पड़ना, यार कौन करते बैठेगा सिलाई, तो बहुत ही हमारी अच्छी, हम क्या करें, हमें कटिंग करना बहुत ही कंटाला आ रहा है, तो कोई बात नहीं, कंटाला आ रहा है सिलाई अच्छी है, तो गीता लेस टेलर की कटिंग लेनी है और हमारा वीडियो देखना है सिलाई का और कट सिलाई कर लेनी है, है ना। 100% बोलूंगी आपको फिटिंग अच्छी आएगी, यानी आएगी ही, थोड़ा भी उसमें डाउट नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे इसे हम लोग कटिंग कर लेना है, इसको साइड कर लेती हूँ और बीच से भी मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे हमने कटिंग तो कर ली, अभी इसे थोड़ा कर लेती हूँ साइड। अभी मेन कटोरी कैसे निकाली जाती है वो बताती हूँ। ये कटोरी अभी काम की नहीं, पर इससे ही हमें कटोरी कैसी बढ़ाई जाती है वो बताती हूँ। पेपर कटिंग ले लेते हैं। अब यहाँ पे पेपर कटिंग मैंने ले ली है और यहाँ पे कटोरी भी मैंने ले ली। अभी यहाँ पे इसको हमने इस तरीके से बिठाना है कटोरी को, देख सकते हो
आप ऐसे भी बिठा सकते हो, कपड़े पे बिठाने टाइम में हमें क्रॉस में बिठाना है, इसका भी मैं ये वीडियो अपलोड की हुई हूँ। यदि आपको और देखना तो मुझे कमेंट करें, वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से रखना है सेम टू सेम, और जैसे वैसे इसे हमें ड्रॉ करते जाना है। बस कटोरी को ड्रॉ करना है सेम टू सेम, फूड तड़के को सपोर्ट करे। जैसे गीता लेडीज टेलर ग्रुप आपने कितना सपोर्ट हमें किया है, गीता लेडीज को बहुत ही प्यार दिया है, वैसे फूड तड़के को भी आपने भर भर के प्यार देना है दोस्तों। और अपन अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है सेम टू सेम, अभी इस कटोरी कुछ काम की नहीं है। अब यहाँ पे लेना है मेजर टेप, थोड़ा तो यहाँ पे हमने लेना है डेढ़ इंच बढ़ाना है, सॉरी यहाँ पे डेढ़ इंच बढ़ाना है हमें। यहाँ पे मैं बढ़ाती कभी नहीं, देखो मेरे पहले के भी वीडियो आप देखो, मैं कभी नहीं बढ़ाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे डेढ़ इंच बढ़ाना है क्योंकि यहाँ पे कम साइज की है ना, इसलिए बड़ा हुआ तो दो बढ़ाना है बस। और यहाँ पे इसका बीच का सेंटर निकाल लेना है हमें, जितना होगा उतना। वापस एक बार देख लेती हूँ क्योंकि टेप मेरा थोड़ा हिल गया था ना इसलिए। ओके, और यहाँ पे हमने लेना है डेढ़ इंच और ऊपर डेढ़ इंच, यानी तीन का टक्स हो जाता है ये, और सिलने के बाद ढाई का टक्स परफेक्ट हो ही जाता है, इसमें नो डाउट। अब इसके हमें इस तरीके इसको करेंगे टच, इसको यहां से टच करेंगे और इसको यहां से टच करेंगे। ओके, अभी यहां पे थोड़ा ही बढ़ाना है। अभी आपको यहां पे क्यों बढ़ाना है, क्योंकि यहां पे सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाना है, हल्का हल्का बढ़ाना है, ज्यादा नहीं। सिर्फ देख सकते हो इतना हमें हल्का हल्का यहाँ पे बढ़ाना है थोड़ा ही। ये मैं क्या करती हूँ कपड़े पे कभी कभी बढ़ा देती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा तीन का टक्स रेडी हो गया है, ये एक इंच और यहाँ पे एक इंच। यदि आपको सिलाई ज्यादा लग रही कपड़ा सिलने के लिए तो यहाँ पे आप दो भी बढ़ा सकते हो, नो डाउट। 19-20 में कुछ फर्क होता नहीं है, मैं पहले आपको क्लियर कर लूं, यहाँ पे दो भी बढ़ा सकते हो आग बंद करके। अभी यहाँ पे इसको हमें टच करेंगे इस तरीके से और इसको यहाँ पे टच करेंगे इस तरीके से। देखा दोस्तों कितनी प्यारी सी हमारी कटोरी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें है आपको कुछ डाउट होगा तो क्लियर करें, कमेंट करें। अब यहाँ पे इसे भी हम लोग कट कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, जब हम सिलाई करते ना तो ये कटोरी भी हमारी कट होती है, क्योंकि किसी का गला बड़ा छोटा हो तो वो हिसाब से हम लोग कट करते हैं। ये हम लोग मेरी कटिंग में तो मैं थोड़ा ज्यादा ही लेती हूँ, कम नहीं लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं मार्जिन थोड़ा ज्यादा ही लेती हूँ। क्या होता है कभी कभार कम ज्यादा हो जाए तो हमें आसान हो जाता है, ज्यादा कपड़ा होता है, यदि कम कपड़ा पड़ गया तो जॉइंट लगाना पड़ता है, इससे अच्छा तो कटिंग में ही बढ़ा दो। बस यहां से मैं कट कर लेती हूँ, तो क्या कटिंग में हम लोग बढ़ा देंगे तो कपड़े में प्रॉब्लम आएगी नहीं, हमें थोड़ी भी नहीं आएगी। अभी हाथों की स्लीव्स कैसे कटिंग की जाती वो बताते हैं। अभी यहाँ पे हमारी लेंथ है 5.5, एक इंच बढ़ा देती हूँ 6.5। ओके, अभी आर्मोल हमारा देखना है, आर्मोल कितना था, अभी इससे भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आर्मोल निकाला जाता है, बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। ये तो बहुत लॉन्ग स्लीव है तो यहाँ पे मैं आर्मोल का बता देती हूँ। स्लीव्स तो आपके हिसाब से लेंथ बढ़ा सकते हो, यहाँ पे इसको ऐसे करना है और सीधे से करना है, सीधे से हमारी ये आर्मोल 6.5। ओके, 6.5 है तो 6.5 में 6.5 और यहाँ पे हम लोग 2.5 इंच बढ़ा देते हैं, 6, 7, 8 और 9, तो 9 हमारा आर्मोल हो गया ये हाथों का। तो यहाँ पे भी हमें परफेक्ट बॉक्स तैयार कर लेना है और यहाँ पे हम लोग 2.5 पे नीचे उतरने वाले हैं, यहाँ से 2.5 इंच उतरना है और गोलाई हमारी होगी 5.5 और 1.5 इंच में ले लेती हूँ मार्जिन। ओके, तो यहाँ पे भी 1.5 इंच मार्जिन। अब यहाँ पे 1 इंच बहुत ही आसान है, मैं फटाफट बता रही हूँ आपको, 7 का बीच का सेंटर कर लेते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, और एक आसान सा तरीका, यहाँ पे स्केल लेनी है और स्केल से यहाँ पे हमें से सीधे से लाइन करनी है, तो यहाँ पे इसे हल्के से हमें कव देना है, एक ऊपर से और यहाँ पे एक नीचे से इस तरीके से। अभी यहाँ पे हमारी मार्जिन है तो यहाँ पे हमने स्केल लेनी है, स्केल के मार्फत से इसको यहाँ से इसे अटैच करना है और इसको यहाँ से अटैच कर लेना है ना, आसान सा तरीका स्लीव्स निकालने का भी, कुछ है हार्ड, बहुत ही शॉर्ट। आप इसको ना ड्रेस की भी कटिंग करते हो तो इस तरीके से ही निकालना है स्लीव्स, एकदम परफेक्ट स्लीव्स आ ही जाते, थोड़ा भी यहाँ पे फुगा वगैरह आता नहीं है, कर्ली भी नहीं आती है।
तो यहाँ पे मैं आपको कट करके बता रही हूं इस तरीके से। अभी यहाँ पे बीच का सेंटर निकाल लेते हैं और इसका तरीके से इस तरीके से हमें यहाँ पे कट करना है। हाँ दोस्तों, आप पहली बार कट कर रहे हो तो थोड़ा पेन की सहायता लेना है, पेन से हमें पहले ड्रॉ करना है ये वाला। अब यहाँ पे मैंने पीछे वाला पार्ट ले लिया। अभी जो आपको गला चाहिए यानी कि नेक छोटा बड़ा जो होगा वो वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे मैं लेंथ लूंगी 4 की, मतलब 3.5 का नेक है, 3 का नेक है तो 1 इंच बढ़ा देती हूँ या आधा इंच भी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैं 4 ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 3 तीरा और 2 का ऊपर तीरा। तो यहाँ पे बॉक्स ऐड कर लेना है हमें, गोलाई कर दे। यहाँ पे जो भी आपको डिजाइन करनी होगी ना दोस्तों, जो भी डिजाइन, तो इसमें ही करना, इसके आगे हमें जाना नहीं। इसके आगे जाओगे तो हमारा शोल्डर गिर जाएगा। तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं टक्स पॉइंट, सभी के लिए एक ही साइज है, 4 साढ़े 4 ले लेना, इसमें 4 और खड़े में 4.5। तो यहाँ पे आधा इंच के हमें टक्स पॉइंट लगा लेना है, थोड़ा थोड़ा ही लेना है इस तरीके से। ओके, तो ये आज की आपको हमारी डिटेल में कटिंग करने का तरीका कैसे लगा तो कमेंट करना है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसे गीता लेडीज टेलर को आपने प्यार दिया, सपोर्ट किया, वैसे गीता और फूड तड़के को भी प्यार और सपोर्ट करना है। और ऐसे धन्यवाद।